जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम लोग है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। ये जो मूवी रिलीज होने वाली है, उनके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, इनके ऑफिस में आयु रमेश थेटे सर जी के ऑफिस में, तो हम विशेष बातचीत उनसे करने वाले हैं कि आप हमें इस मूवी के बारे में बताइए, क्योंकि पूरा विश्व, नॉट ओनली महाराष्ट्र, नॉट ओनली इंडिया, पूरा विश्व इस फिल्म के लिए उत्साहित है कि ये फिल्म कब रिलीज हो रही है, ये फिल्म कैसे होने वाली है, अर्जुन रामपाल लीड रोल में है, और ये मूवी के बारे में सभी लोग उत्साहित हैं, महाराष्ट्र के लोग खासकर उत्साहित हैं। तो मैं आप लोगों को रमेश थेटे जी से मिलवाता हूं। ये जो फिल्म है, ये बाबा साहब के विचारों को ध्यान में रखते हुए इसका जो नैरेटिव है, वो नैरेटिव हमने सेट किया। देखिए, फिल्म भीमा कोरेगांव, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव वॉर फिल्म है, ऐसा माना जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, दिस इज नॉट ओनली अ वॉर फिल्म, दिस इज अ सोशियो वॉर फिल्म। तब की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में क्या अंतर था? आखिर ये 500 महारों को, पेशवा बाजीराव दूसरा की 28,000 की फौज को हराने का क्यों जुनून उनके दिमाग पर सवार था और क्यों हराया? कैसे संभव हुआ ये? 500 लोग 28,000 को हराएंगे, ये कैसे संभव है? इसके लिए तत्कालीन परिस्थिति कारणीभूत थी। इसका जो कारण था वो एक दिन का कारण नहीं था। एक दिन में ये लड़ाई जो हुई थी, एक दिन की हुई जरूर है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी लंबी है। और बल्कि ये दो सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं थी, दो संस्कृतियों के बीच की लड़ाई थी। एक समानता और दूसरी असमानता। तो दोनों जो लड़ाई हुई, समानता वाले जीते, असमानता वाले हारे। और यही इस फिल्म की खासियत है। आप देखेंगे और आपको मजा आएगा। कभी आपको आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, और कभी लगेगा इसको काट डालू, कभी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कभी आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन आप इस फिल्म को इतना एंजॉय करेंगे, इतना आपको अच्छा लगेगा, लगेगा ये मेरी फिल्म है और ये वाकई समाज की फिल्म है, ये आपकी फिल्म है, ये मेरी फिल्म नहीं, ये आपकी फिल्म है जी। सर, ये हिंदी में रिलीज हो रही है जी, और साउथ के लोग भी इसे देखना चाहते हैं। मेरे पास बहुत सारे साउथ के लोग मैसेज देते हैं कि हमें भी हिंदी उन्हें इतनी समझ में नहीं आती, तो उनके लिए आपका क्या नियोजन है? मेरा नियोजन ये है कि कर्नाटका से बहुत मुझे फोन आए, ईमेल्स आए, मैसेजेस आए कि साहब इसको कन्नड़ में आप डब करो, और मैंने निर्णय लिया है, ऑलरेडी निर्णय लिया है, ये कन्नड़ में, तेलुगु में और तमिल में भी डब करके इसको रिलीज किया जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसे ओवरसीज में भी आपका लेके जाने का प्लान है? वर्ल्ड वाइड इसको रिलीज करेंगे, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, ये तो तीन कंट्रीज तो ही हमारे, थाईलैंड, और भी कंट्रीज में इसको रिलीज करेंगे। nice, और ये वाकई इंटरनेशनल फिल्म है। नाइस, बहुत सर से बात हो रही थी, तो द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव ये सिर्फ आखिरी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये पहला प्रोजेक्ट है और यहां से प्रोजेक्ट शुरू होते जाने वाले हैं। और सर की जो थीम है, बाबा साहब के विचारों को इस माध्यम से लोगों के सामने लेकर आने की, मैं सर से पूछूंगा कि आप वो लोगों को बताइए और लोग इससे कैसे जुड़ सके, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, आप सभी लोग जानते हो, ये बॉलीवुड, आज हम लोग जो ये बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव देख रहे हैं, ये बॉलीवुड की फिल्म है, तो हम बॉलीवुड के प्लेटफॉर्म पे अब कदम रख रहे हैं, तो आगे चलकर हम किस तरह से इसको इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक सोसाइटी कैसे इन्वॉल्व हो सकती है, और बाबा साहब के आगे आप कैसे विचार लेकर आने वाले हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि बाबा साहब का विचार अगर क्वालिटी के साथ में जाएगा जी, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। अब तक की ये जो फील्ड है बॉलीवुड में, हमारे समाज के लोग आए होंगे जरूर, लेकिन बाबा साहब के विचार को इतनी तवज्जो देके, इतने बड़े पैमाने पे अभी तक के बात किसी ने की नहीं है। ये पहला विषय है, और भीमा कोरेगांव जैसा विषय है तो इसको वो तवज्जो और इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को बनाया जा रहा है। आगे भी जो करेंगे वो इसी तरह का होगा, लेकिन जैसे राजरत्न जी ने बात कही है, और वो बोला उन्होंने कि समाज इसमें कैसे इन्वॉल्व होगा जी, समाज की फिल्म है तो समाज को इन्वॉल्व होना पड़ेगा,
लेकिन समाज को भी दिशा मिलनी चाहिए। समाज को कैसे इन्वॉल्व करेंगे? मुझे फोन आए सर, मुझे फोन आए, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि साहब आप हमें भी इन्वॉल्व कीजिए। जी, तो इन्वॉल्व करने का तात्पर्य क्या था कि इस पूरी प्रक्रिया में हम आना चाहते हैं। कैसे आएंगे? देखिए, अब ये इतनी बड़ी फिल्म है तो लोगों को देखने की सुविधा इसमें होनी चाहिए। मतलब एकदम सबको लगेगा कि मैं देखूं। थिएटर्स कम है, थिएटर्स कम है, लोग ज्यादा है, तो फिर उनको देखने को कैसे मिलेगा? तो यहां हमारे लोगों की भूमिका है। मैं सोशल डिस्ट्रीब्यूटर्स नियुक्त करना चाहता हूं। हमारे समाज के जो कर्ता धर्ता लोग है, कार्यकर्ता है, एक्टिविस्ट है, उद्यमी है, हमारे संगठन है, विभिन्न संगठन है, इन सारे लोगों को इन्वॉल्व करके उनको सोशल डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करके इनके माध्यम से सारे लोगों तक इस फिल्म को घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य हमने रखा है। तो जैसा आपको विदित है, इस फिल्म को इस हिसाब से रिलीज करेंगे और ये विचार बाबा साहब का उस हिसाब से हम लोगों तक ले जाएंगे, तो फिर जो है इसका महत्व बढ़ जाता है। जी, देखिए, हम लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की मूवीज देखे हैं, आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। जब्बार पटेल जी के डायरेक्शन में ये मूवी बनी, लेकिन ये मूवी थी गवर्नमेंट फाइनेंस, ये गवर्नमेंट फाइनेंस मूवी थी। और फिर कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट इसे फाइनेंस करती है तो ऑब्वियसली गांधी को ग्लोरीफाई करती है या पटेल को ग्लोरीफाई करती है, क्योंकि पैसा उनका लगा हुआ होता है। और फिर वो कहीं ना कहीं बाबा साहब के विचारों को दबाने का काम करता है, क्योंकि जो पैसा देगा उसी की बात चलेगी। तो आज ये हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म देख रहे हैं जहां पर पैसा भी अंबेडकर वादियों का है, पैसा भी अंबेडकराइट्स लोगों का है, पैसा भी पूरा पैसा सर ने लगाया है और बात भी बाबा साहब की रखी हुई है। कहीं पर काट छाट नहीं किया है कि ये मुद्दा ब्राह्मणवाद के खिलाफ जा रहा है तो उसे दबा कर रखना है, ये मुद्दे को आगे नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि यहां पर फाइनेंस हमारे हाथ में है। फाइनेंस जो करता है, जिसकी लाठी होती है उसी की बहस होती है। तो यहां पर लाठी तैयार करने का काम सर ने किया है। और उनसे जब बात हम कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कई सारे प्रोमोज अभी उन्होंने रिलीज नहीं किए हैं। जब ये फिल्म रिलीज होने के कगार पर होगी, जब ये प्रोमोज आएंगे तब शायद। देखिए, अभी भी कुछ लोगों की थ्रेट्स है, कुछ लोग इसको बंद करवाना चाहते हैं। तो अभी तो शुरुआत है, मैं तो कहूंगा कि अभी तो शुरुआत है, अभी आगे और प्रमोज जब आएंगे। तो मुझे आप बताइए कि जब आर्थिक सोर्स, फाइनेंशियल सोर्स अगर हमारे हाथ में हो तो बॉलीवुड ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो इसमें कितना फ्री हैंड हमको मिलता है? ये पूरा फ्री हैंड है, वो तो हम डिसाइड करते हैं जी। किस तरह की फ्रेम होना चाहिए, स्क्रिप्ट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हमें कोई डिक्टेट नहीं करता जी, क्योंकि हम मालिक है इसके जी। अंबेडकर वादी मालिक है इसके, और मैं जो कुछ हूं या आप जो कुछ भी है, बाबा साहब की देन है जी। तो बाबा साहब के विचार को यदि हमको आगे ले जाना है, और हमारा पैसा है, हमारे समाज का पैसा है, इसमें मेरे साथ और भी लोग हैं जिनका पैसा लगा है, छोटे छोटे किसान है जी, 3,000 किसानों का पैसा लगा है इसमें मेरे साथ, मेरा भी है, उनका भी है, सबने मिलकर ये किया है। तो जब हमारा पैसा है, हमारे समाज का पैसा है, तो बाबा साहब ने जो कहा वही आएगा जी। जो भीमा कोरेगा असल में हुआ था, उसके पीछे की जो परिस्थितियां थी, वो सारी की सारी परिस्थितियां इसमें आपको देखने को मिलेगी, और फिर लगेगा आपको कि ये हमारा काम है जी। जी, तो यही हम आपको रूबरू करना चाहते थे कि द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव अब रिलीज होने वाला है। सर ने उसकी शूटिंग पूरी की है, क्लाइमेक्स भी नजदीक है जी। तो ये जो मूवी है ये समाज के लिए एक बेंचमार्क होगा, ये बेंचमार्क होगा कि बाबा साहब को मानने वाले लोग भी बॉलीवुड के प्लेटफॉर्म पर आकर बॉलीवुड को टक्कर देने वाली फिल्म बना सकते हैं, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक्टर्स और जो कुछ है, कई हम लोग वहां पर कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं है। जब हमको वो प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो हम उसी तरह का तोड़ हम दे सकते हैं। ये भी एक बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव के पीछे एक बेंचमार्क सेट हो रहा है, और आगे चलकर इसी तरह के बाबा साहब के विचारों के ऊपर आगे और हम लोगों को रमेश ठेठे जी के ओर से ये सब्जेक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, चाहे जो लोग मुझे भारत भर से सुन रहे हैं, भारत के बाहर से सुन रहे हैं, इस मूवी को एक एंटरटेनमेंट का या मनोरंजन का साधन नहीं, हमारा इतिहास क्या है और जो समता और असमानता के बीच जो एक लड़ाई हुई है,
उस लड़ाई को हमारे इतिहास को पहचानना जरूरी है। और वो इतिहास, बाबा साहब कहते थे कि जो अपना इतिहास नहीं जानते वो इतिहास क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये इतिहास जानने का एक नया जरिया ऑडियो विजुअल के माध्यम से, मूवीज के माध्यम से, थिएटर्स के माध्यम से आप लोगों के सामने सर लेकर आ रहे हैं। तो आप सभी लोग सर का जो प्रयत्न है, कोशिश है, उसे सराहिए, उन्हें प्रोत्साहन दीजिए। इतना ही कहते हैं और रुकते हैं। जय भीम, जय भारत।